अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके पास एक्सेल की एक इमेज है, यानी एक्सेल के अंदर एक आपने टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ, चाहे कोई भी इमेज हो सकती है, ये नहीं कि आपको पास एक्सेल की इमेज हो, तो आप चाह रहे हैं या इसको हम कन्वर्ट करें एक्सेल के अंदर, या आपको ऑफिस के अंदर आपको का बॉस वगैरह आपको इमेज दे देता है और आपको देख कहता है कि ये इमेज से आपने जो डाटा है कॉपी करके इसकी एक्सेल फाइल वगैरह बनानी है, तो कैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजी से। तो सबसे पहले आप इसकी इमेज चेक कर लें कि ऐसा हम ये इमेज को हम एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करेंगे कि बजाय अपने हाथ से हम इसकी एंट्री करें, हम चाह रहे हैं यार इसकी जो कॉपी कर ले और एक्सेल के अंदर ये शीट कन्वर्ट हो जाए। ये आपके सामने शीट है 10 कॉलम के अंदर, तो ये आपके पास अगर इससे ज़्यादा भी होती है तो आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो जस्ट आपने सबसे पहले ये वाला सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है, Swift2 PDF। तो आपने इसको डाउनलोड करने के बाद इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपने कोई भी इमेज लेके आनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर PDF2 इमेज, तो आप कोई भी कर सकते हैं ऐड, इनके अंदर काफ़ी ऐसे फंक्शन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले ओपन करूँगा यहाँ पर से इमेज को, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑल डॉक्यूमेंट्स पोर्ट्स, मैं तो यहाँ पर ऑल फाइल कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पर हमारी जो इमेज है इसको हम यहाँ से उठाएंगे। तो चलिए यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर से ये वाली इमेज है वो, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेज यहाँ आ चुकी है, तो इसको हम चाह रहे हैं कि एक्सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहे कोई और फॉर्मेट के अंदर भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जस्ट आपने यहाँ पर कन्वर्ट पर क्लिक करना है, तो हम चाह रहे हैं इसको एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो जस्ट यहाँ पर मैं से इसको आपने इसको फाइंड करना है कि एक्सेल है कहाँ पे। तो यहाँ पर से यहाँ पर देख सकते हैं PDF2 वर्ड, PDF2 एक्सेल, यहाँ पर से हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको Image2 PDF करना है, ताकि हमारी जो इमेज है वो PDF के अंदर जाए, इसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा है, अप्लाई OCR टू एडिट एंड एडिट द करंट स्कैन PDF, तो हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर फिर वो रिकॉग्नाइज डॉक्यूमेंट कर रहा है, तो डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट एंड इमेज, इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपका आउटपुट ऐसा आएगा, टेक्स्ट विद ओरिजिनल फॉर्मेट, टेक्स्ट भी आए और जो इसकी फॉर्मेट है ये ऐसी ही आए। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो जितने पेज है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक ही यहाँ पर इमेज सेलेक्ट किया, तो करंट पेज पर हम इसको सिलेक्ट रहने देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हमारे सामने इसकी शीट आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो शीट है वो PDF के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, इसको आप एडिट वगैरह अब इजीली कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं, तो अपनी मर्जी से यहाँ पर भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर Type2 करके अब हम चलते हैं, यहाँ पर इसका स्पेस देते हैं, अब हम चाह रहे हैं यार ये एक्सेल के अंदर कन्वर्ट हो, तो यहाँ पर अगेन से कन्वर्ट पर जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो फाइल है वो PDF तो हो चुकी है, अब हम PDF2 एक्सेल कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारी फाइल ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है, तो हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट का एक प्रोसेसिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं अब प्रोसेसिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है, अब कंप्लीट भी हो चुकी है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप के अंदर एक्सेल है तो ऑटोमेटिकली ये एक्सेल के अंदर कन्वर्ट यानी ये ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम यहाँ पर से डिलीट कर लेंगे, ये एंट्री हम यहाँ पर डिलीट करेंगे, आपने जस्ट इसको अपने हाथ से यहाँ पर टाइप कर लेना है, तो जस्ट मैं इसको यहाँ से डिलीट पर क्लिक करूँगा, एंट्री रो इसको हम क्लिक डिलीट कर लेते हैं, आप देख सकते हैं ये इमेज है जो बैकग्राउंड पर इमेज थी, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ये एंट्री भी हम यहाँ से ईजिली यहाँ पर क्या करेंगे, इस एंट्री को भी हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, एंट्री रो। ओके, अब हमारा जो सक्सेसफुली जो टेबल है वो हमने क्रिएट कर लिया है, यानी इमेज से हम इसको सक्सेसफुली एक्सेल के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। तो आज की वीडियो में हमने आपको इमेज से एक्सेल के अंदर कैसे अपनी शीट को कन्वर्ट करते हैं ये बताया था, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस आपको Swift PDF के और भी जो फंक्शन है इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये बहुत ही कमाल है, अगर आप ऑफिस के लेवल पर काम करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए काफ़ी कारामद है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफ।